34,366 रुपीस दे करके आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। 5 से 6 तरह की डाउन पेमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इंटरेस्ट है 7.5 के आसपास आपको इसका इंटरेस्ट पड़ने वाला है। इसे ब्लैक में आप देखने के लिए मिल रही है, जो पहले आपको सिल्वर में देखने के लिए मिलती थी, वो भी बैक टू अनदर वीडियो। और देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू बजाज पल्सर 150 TD मॉडल, जो स्प्रे शीट में आपको देखने के लिए मिल जा रही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी मंथली EMI और डाउन पेमेंट क्या आने वाली है 2024 में। अगर आप लोग इसे 2024 में लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको जो है इसकी डाउन पेमेंट क्या आने वाली है, मंथली EMI क्या आने वाली है, और 5 से 6 तरह की डाउन पेमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग को इस बाइक को लेना है तो आप लोग देख लेना है कि किस तरह की डाउन पेमेंट जो है आ रही है और EMI पे आने वाली है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर पहले अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कि फीचर्स और ग्राफिक्स क्या दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मडगार्ड पे आपको कार्बन की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जा रही है, सिल्वर कलर की आपको जो है स्टिकर ग्राफिक्स साइड से देखने के लिए मिल जा रही है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जा रही है, वाइजर के ऊपर भी आपको थोड़ी सी कार्बन एंड सिल्वर की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जा रही है। गाइस फ्यूल टैंक पे आते हैं तो यहाँ पे भी सिल्वर की स्टिकर ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जा रही है, पल्सर की जो ब्रांडिंग आपको 3D में कर दी गई है, और ये थोड़ी सी ब्लैक में आप देखने के लिए मिल रही है, जो पहले आपको सिल्वर में देखने के लिए मिलती थी वो भी ब्लैक में आ रही है 3D में। बाकी यहाँ पे साइड पैनल पे कार्बन की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जा रही है, यहाँ पे भी आपको कार्बन एंड सिल्वर की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है, पल्सर 150 की आपको स्टिकर बैजिंग देखने के लिए मिल जा रही है, स्प्लिट में सीट आ जा रही है, ग्रैब हैंडल आपको स्प्लिट में देखने के लिए मिल जा रहा है, टेल लाइट जो पहले आती थी कुछ उसी तरह की लुक देखने के लिए मिल जा रही है, नंबर प्लेट का लाइट आपको हैलोजन में देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी इस साइड से मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो सेम ग्राफिक्स आपको इधर भी देखने के लिए मिल जाती है, फ्यूल टैंक के ऊपर ये जो है रबर ग्रिप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर इसकी जो है हेडलाइट आपको हैलोजन में ही देखने के लिए मिलती है। मैं यहाँ पर एक बार इसे स्टार्ट करता हूँ तो देख सकते हैं कि इसकी जो हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिल रही है, हैलोजन बॉल में ही आपको देखने के लिए मिल जा रही है, जो DRL है वो भी आपको हैलोजन में दी गई है और हेडलाइट भी आपको हैलोजन में देखने के लिए मिल जा रही है। इंडिकेटर यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल में आपको इंडिकेटर मिल जाती है, इसके बजाज की जो इंडिकेटर आती है बाइक की वो काफ़ी फ्लेक्सिबल ही होती है सभी बाइकों की। और यहाँ पर जो है इसका मीटर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको स्पीडो यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रही है। इधर यहाँ पे ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ कि IFE AFE देखने के लिए मिल जा रही है, ODO ट्रिप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जा रही है, DTE देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पे ट्रिप मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, ट्रिप 2 ODO। बाकी यहाँ पे जो लाइट दी गई है इंजन मान फंक्शन के लिए लाइट देखने के लिए मिल जा रही है। नीचे में यहाँ पर आपको पासिंग के लिए लाइट दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर के लिए लाइट देखने के लिए मिल जा रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल के लिए, यहाँ पे ABS के लिए लाइट देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी एनालॉगिंग में आपको RPM मीटर देखने के लिए मिल जा रहा है। और यहाँ पे जो आपको ये चीज़ फिनिशिंग दी गई है मीटर के साइड में, कार्बन की फिनिशिंग आपको देखने के लिए मिल जा रही है। तो स्प्लिट में आपको यहाँ पर जो है हैंडल भी देखने के लिए मिल जा रही है, कट में आपको हैंडल आ जाती है। और इसकी अगर इंजन की बात कर लूँ तो 149.5 cc का आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें 4-स्ट्रोक 2-वाल्व ट्विन स्पार्क BS6 कंप्लाइंट DTS FI इंजन आपको इसमें आ जाती है। 14 PS की मैक्स पावर दी गई है, जो 8500 RPM पर पावर को जनरेट करती है, और 13.25 Nm का आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो 6500 RPM पर पावर को जनरेट करती है गाइस। बाकी अगर इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर लूँ तो 15 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। और यहाँ पे अगर इसकी टायर साइज़ की मैं बात कर लूँ तो फ्रंट टायर की साइज़ मैं दिखा देता हूँ, MRF की टायर देख सकते हैं कि देखने के लिए हमें मिल रहा है। और यहाँ पे जो टायर साइज़ दी गई है 80-90-17 की आपको फ्रंट में टायर देखने के लिए मिल जा रही है, 280 mm के डिस्क ब्लेड के साथ में ये बाइक आ जा रही है फ्रंट में। और यहाँ पर रियर की अगर बात कर लूँ तो MRF की टायर दी गई है, और टायर साइज़ जो है गाइस 120-80-17 की आपको टायर देखने के लिए मिल जा रही है, 230 mm के डिस्क प्लेट के साथ में। तो
तो यहाँ पे जो है इसकी फीचर्स की बात कर ली मैंने, अगर माइलेज की बात कर लूँ तो जो 50 से 55 तक आपको आराम से ये माइलेज देने वाली है, क्योंकि 150 सीसी की बाइक है तो आराम से 50 से 55 की आपको माइलेज इस बाइक में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर अच्छे से मेंटेन वगैरह करते हैं तो उससे ज़्यादा भी दे सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो है ऑन रोड प्राइस क्या आ रही है और डाउन पेमेंट क्या आ रही है। तो इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है 1,38,700 के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है। तो बाद इसकी डाउन पेमेंट की अगर बात कर ले गाइस, तो यहाँ पे जो इसकी डाउन पेमेंट आ रही है वो है 34,366 रुपीस दे करके आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। जी हाँ, इसकी जो डाउन पेमेंट आ रही है वो है 34,366 रुपीस इसकी डाउन पेमेंट आ रही है, जो लो डाउन पेमेंट है, ठीक है। और मंथली ईएमआई की बात कर लूँ तो अगर 24 मंथ के लिए लोन करवाते हैं तो 5,500 के आसपास आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 24 मंथ के लिए। और 30 मंथ के लिए अगर लोन करवाते हैं तो उसकी जो मंथली ईएमआई है 4,626 रुपीस आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 30 मंथ के लिए। और 36 मंथ के लिए लोन करवाते हैं तो उसकी जो मंथली ईएमआई है 4,043 रुपीस आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 36 मंथ के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो डाउन पेमेंट है उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 70,256 रुपये के आसपास आपको इसकी दूसरी डाउन पेमेंट आ रही है, ठीक है। और उसकी जो मंथली ईएमआई है, अगर 12 महीने के लिए लोन करवाते हैं तो उसकी जो मंथली ईएमआई है 6,600 के आसपास आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 12 महीने के लिए। और 18 महीने के लिए अगर लोन करवाते हैं तो उसकी जो मंथली ईएमआई है 4,635 रुपये के आसपास आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 18 महीने के लिए। 24 महीने के लिए लोन करवाते हैं तो 3,654 रुपये के आसपास आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। और अगर 36 महीने के लिए लोन करवाते हैं तो उसकी जो मंथली ईएमआई है 2,680 रुपये के आसपास आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। तो यहाँ पे जो है इसकी दो डाउन पेमेंट मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाकी जो डाउन पेमेंट है वो क्या आने वाली, क्योंकि वीडियो में अगर मैं बताने जाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इससे छाप लो यहाँ पे देख लेना जो इसकी डाउन पेमेंट आ रही है, यहाँ पे तीसरी डाउन पेमेंट, यहाँ पे चौथी डाउन पेमेंट, यहाँ पे पाँचवीं डाउन पेमेंट, छठी डाउन पेमेंट, यहाँ पे 33,000 डाउन पेमेंट कर सकते हैं, 34,000 डाउन पेमेंट कर सकते हैं, 32,000 कर सकते हैं, 44,000 कर सकते हैं। और जो ईएमआई है आपको यहाँ पे बता, ये जो है स्पेशल ऑफर दी गई है, ये 44,000 डाउन पेमेंट करने के बाद जो है 18 महीने के लिए ईएमआई इतना आने वाला है, स्पेशल ऑफर है, ठीक है, इतना परसेंट के इंटरेस्ट के साथ में आने वाला है। और ये जो बाकी सब है इंटरेस्ट जो 9 और 10 के आसपास इसकी जो है इंटरेस्ट पड़ने वाली है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है 7.5 के आसपास आपको इसका इंटरेस्ट पड़ने वाला है। बाकी इधर एक जो डाउन पेमेंट मैंने लो डाउन पेमेंट बताई थी यह थी, और इतनी ईएमआई, इसमें सिविल आपका 700 प्लस होना चाहिए गाइस। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देख लेना, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देख लेना। तो ये तो हो गई अब ईएमआई और डाउन पेमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं कि इस जो डॉक्यूमेंट है आपको क्या क्या लेकर के आनी होगी। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो, ATM, बिजली बिल का स्लिप, ये सब चीज़ें लेकर के आनी होगी तो आपका जो लोन का प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी सारी जानकारी दे दी है, कोई भी जानकारी अगर छूट गई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। बाकी बाइक की अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं जो है बाइक की प्राइस बताते रहता हूँ, सभी कंपनी के बाइक की प्राइस मैं बताते रहता हूँ, तो आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। बाकी यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।